अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का न्यूज बॉय की चैनल में। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात दो अहम मुद्दों पे होगी। पहले मैं आपको बोल दूं कि कल से आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज्यादा फैल रही है कि कश्मीर के जो ऑर्फनेज हैं, जो कोविड में ऑर्फनेज हुए थे, उनको इंडियन मार्केट्स में भेजा जा रहा है। मतलब कि यहाँ से बच्चों को उठाया जा रहा है एनजीओ के द्वारा और बाहर भेजा जाता है। एक तरफ की कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि हम इनको अडॉप्ट करने के लिए बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ मामला ऐसे सामने आया है कि इलीगल तरीके से हो रहा था, जिसमें कुछ पैसे भी पकड़े गए थे। आज पुलिस के द्वारा पापोर में एनजीओ को सील कर दिया गया और दो बंदों को वहां से गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी बोलना गलत होगा कि वो गलत है या कुछ और, क्योंकि ये पुलिस का काम है, वो कैसे इसको साबित करती है कि क्या ये सच में बच्चों को भेज रहे थे वहां, क्या ऐसा होता था, तो इसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उन लोगों के नतीजे तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे किस्से होते रहे तो फिर तो खुदा ही बेहतर जानता है कि इस कश्मीर का क्या होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बोल दूं कि कोविड तो अब चला गया है, लेकिन अभी नहीं, फिर से कोविड का बहुत ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। अभी अभी बताया जा रहा है कि कर्नाटक में जो कि कोविड की न्यू वेव आई है ओमिक्रॉन, वहां पे उसके दो केसेस पाए गए हैं। और अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कश्मीर में अगर किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, अगर कोई बोलेगा कि मैं यहाँ नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था, तो उसको फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी अलर्ट पे रखा गया है अब, क्योंकि फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में दो केसेस, फॉरेन कंट्रीज में भी देखा जा रहा है कि वहां पे भी आई थिंक बहुत कंट्रियों ने अपनी जो फ्लाइट्स थी वो बंद की है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि खुदा ना करे अगर ये यहाँ पे निकला तो फिर आपको बताइए कि कोविड में क्या हुआ था, फिर से लॉकडाउन और फिर से वही जिंदगी और फिर से वही हालात। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।